एक्शन। फर्ज करो आवाम जो थी उस दौर की आप समेत पागल थे उनके पीछे। पागल नहीं थे, दीवाने थे। एक दफा उड़ गई थी कि वो हीरा पत्थर देखने वही मुराद आ रहे हैं नाच सिनेमा में। इसी बात पे कोई 800-900 लोग तो मेरे सामने खड़े हुए थे और इब्राहिम नफीस से मैंने कहा आप भी आ जाए, मैं आपके साथ फिल्म देखना चाहता हूँ। अब हम बच्चे थे, वो हमें थोड़ा सा अबू के बहुत अबू रेडियो के बहुत बड़े रहे तो कहने मियाँ मैं आता मगर देखो तुम समझते नहीं हो, वहाँ ज़रा क्राउड होता है ये वो फर। ये लोग आते थे 9 से 12 की शो में, अगर आना हो तो जेबा वगैरह बुरखा पहन के और ये वो करके आके बैठ के देखा करते थे। श्री मारा ये कई दफ़ा अपनी फिल्मों में बुरखा पहन के क्योंकि इनको अपनी यू नो एक इंथुजियाज्म होता है ना। जब यहाँ अगर आप कोई फंक्शन में किसी को बुलाएं तो उसको सबसे बड़ा धड़का ये होता है कि सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि लोग तो पागलपन हो जाता है ना फिर। अभी पागलपन से मुराद है कि कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उसमें धक्कम पेली एंड ऑल दैट। दिस इज वेरी अभी एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, उसकी रिस्पेक्ट करो। यू लाइक हिम, ओके, वेव हिम हेलो हाय, अगर मौका मिले सेल्फी बनवा लो, तस्वीर खिंचवा लो। उसका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल अलग था। अगर पाल नहीं सकते तो किसी कूड़े के डेरे में डाल दिया होता, बहुत बन गया था तो किसी यतीम खाने भेज देती। और अगर उठा गई थी तो इससे सवाल बनाकर उसके दरवाजे पर ले जाती जिसने गुनाह की है, सौगात तुम्हारी छोली में डाली। मेरे पास मैं पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था तो वो था। हाँ सीमा, देखो तुम्हारी बहन कितना नाजुक तोहफा लाई है तुम्हारे लिए, इज्जत बेची हुई जिंदगी का ये तोहफा इन्हीं को मखसूस। मगर मैं पूछता हूँ ये मुझसे किस बात का बदला लेना चाहती है। वो सुहेल साहब कहकर उसकी तरफ यूं दीवानावार लपकी जैसे बरसों के इंतजार का दुख उठा रही। तस्वीर यूं फेंक के चला जाता है। नहीं बहुत जबरदस्त अरमान तो खैर इवन जब जब फूल के लिए भी क्या पता जिंदगी का दिल तुमको दे दिया है इसका ख्याल रखना। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम उनके पे ठुमका लगाए चला जाऊंगा। छेड़छाड़ करूंगा फूल मेरे गुलशन का। क्या डांस किया था, क्या गाने पिक्चराइज कराते थे यार। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ शायद इसका एक दामन का गाना है नीलों के साथ, डांस है नीलों के साथ। उसने वहीद को यूं उठाया है बिल्कुल और वो है पूरा रॉक वो ट्विस्ट। उस जमाने में चबी शेखर का ट्विस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में। आप उस जमाने के डायरेक्टर्स की और प्रोड्यूसर्स की सोच देखेंगे, उन्होंने सुना देखा हर जगह कि ट्विस्ट डांस हो रहा है। अहमद भी आ गई ट्विस्ट नामी, एक डार्क ग्लासेस भी आ गई ट्विस्ट नामी और डांस हो रहा है चबी शेखर वाला। उन्होंने ठोक दिया उधर अपने दामन में, किसी के फरिश्तों को नहीं पता कि भाई ये डांस क्या है। वो तो आगे चूंकि जमाना बढ़ा तो 1961 का वो डांस इस वक्त पॉपुलर तरीन वहीद का बार बार लगता है फेसबुक पे। वो मैंने भी यहाँ कराची में भी इसकी कोको करीना की शूटिंग देखी थी। आपको पता स्टूडियो में मैं खुद मौजूद था सुहेल राणा के साथ यार। पता है वो कब हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट वो ब्लैक आउट हुआ था, वॉर हो रही थी पैसे की। अच्छा वहां मैंने देखा और उसकी शूट के फौरन बाद होगा नया यही सेट रहेगा दूसरा शूट गाना। वो कौन सा था जब प्यार में दो दिन मिलते हैं, वही सेट कोको गोरीना इतना कूदता खानता। उसके बाद एकदम डिप्रेसिंग गाना आ गया जब प्यार में दो दिन, उसमें वही अकेला था, वो बारटेंडर था और निराला था। वो रो रहे हैं निराला और ये वो, उससे पहले निराला डांस कर रहे हैं और ये वो। अंसारी एक होता था एक्स्ट्रा, वो भी है उसमें। और ये दो तीन एक्स्ट्रा थे जो हर वही के प्ले में आते फिल्म में आते थे। वही साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे भूली हुई दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूं से याद किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये गलत है। आई डोंट एग्री विद हिम। हां लेकिन वही साहब ने नॉट भूली हुई दास्तां एट ऑल। बिल्कुल इज दैट कैंटरबरी टेल व्हिच विल लिव फॉरएवर। वाह शबनम को इंट्रोड्यूस कराने में उर्दू फिल्म में वहीद का हाथ।